देखो बच्चों, कल हमने निकाला था मीन वैल्यू फॉर हाफ साइकिल। आज बच्चों निकालेंगे मीन वैल्यू फॉर फुल साइकिल। ठीक है बच्चों, तो देखो उसका एक फार्मूला होता है। हाफ वाले बच्चों क्या था, वन अपान टी बाई टू था, और यहाँ वन अपान टी हो जाएगा बस। बाकी वही फार्मूला आई डी टी कंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो देखो जरा आई इक्वल टू कितना होगा, तो देखो बच्चों ये हो गया ठीक इंटीग्रेशन ऑफ आई जीरो साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, अच्छा देखो हमने क्या किया, हमें ये फार्मूला पता है फुल के लिए क्या रखना बच्चों, फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, और हाफ के लिए यहाँ पे वन बाई टी बाई हाफ कर देंगे, हमने कल किया था। ठीक बच्चों, अब ये सारे मान रखे इसको सॉल्व कर दो। ठीक बच्चों, देखो तो हमने मान रख दिया आई जीरो साइन ओमेगा टी, आई जीरो बाहर निकाल दिया और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन। तो बच्चों देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस होगा, कॉस ओमेगा टी होगा, कॉस कर दो। देखो बच्चों साइन का इंटीग्रेशन कास हो गया माइनस कास, वन को बाहर कर दिया और अपान ओमेगा को नीचे कर दिया। ठीक, तो बच्चे ध्यान दें, देखो बच्चों ने क्या किया, हमने लिमिट रख दिया। ठीक, क्या लिमिट रख दिया, माइनस आई जीरो अपान ओमेगा टी। बच्चे देखो यहाँ जानते हैं कि टी का मान कितना होता है, टू पाई बाई ओमेगा, ये कर दिया और ओमेगा को ऐसे ही कर दिया। अब देखो बच्चों कास जीरो का मान वन होता है, वन कर दिया, जो तो कैंसिल हो गया ओमेगा में, तो कास टू पाई आ गया, कास टू पाई का मान भी वन होता है बच्चों। ठीक, तो कितना आ गया, जीरो आ गया। ठीक, याद रखना बच्चों हाफ के लिए वैल्यू आता है, फुल के लिए जीरो होता है। सिंपल मैथ है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है बच्चों। जो बायो के बच्चे हैं इसे नोट कर लेंगे, जो मैथ के बच्चे जानते हैं इंटीग्रेशन करना वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए।